हेलो फ्रेंड्स, पिंग आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से आउटलुक में आपके जीमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी आपके जीमेल में जितने भी मेल्स आएंगे वो आप आउटलुक पे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी आपके जीमेल में जितने भी मेल्स आते हैं आप उसे आउटलुक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आउटलुक में चलते हैं और ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका जीमेल का ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, देन सेलेक्ट टू सेटअप अकाउंट मैन्युअली, देन कनेक्ट। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट हियर आई मैप। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमको पासवर्ड चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना है। अगर मैं यहाँ पे मेरे जीमेल का पासवर्ड डालूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनकेस अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल भी करोगे तो भी ये आपको एरर ही प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ सेटिंग करना है आपके जीमेल के अकाउंट पे। तो चलिए, आपके जीमेल पे अकाउंट पे क्या क्या सेटिंग करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो आपके अकाउंट पे आपको लॉगिन करना है जीमेल में, देन आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फॉरवर्डिंग एंड पॉप और आई मैप में मेक श्योर के पॉप आप इनेबल रखोगे और आईएमएप को भी आपको इनेबल रखना है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में जाइए, फिर वहाँ पे आपको अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद उसी में आपको सिक्योरिटी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऐप पासवर्ड, फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो ऐप पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये मैन्युअली टाइप करना है आउटलुक, देन आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड शो होगा, उसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो वो पासवर्ड को मैंने अभी कॉपी कर लिया है। ओके, तो चलिए वापस ईमेल आईडी को ऐड करते हैं एज एन अकाउंट। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन सेलेक्ट हियर आई मैप। अब जो पासवर्ड हमने ऐप पासवर्ड में जनरेट किया है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, देन कनेक्ट। ठीक है, देन आई मैप पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आप फाइल में जाओगे तो यहाँ पे भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप आपके जीमेल को आउटलुक पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चैनल से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।